तो हाय दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हम चार्ट देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो अभी इसी लेवल का चार्ट है, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, और ये ब्रेकआउट कब देता है और ब्रेकडाउन कब होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल हम देख रहे चार्ट है, ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। जो लाइन दिख रही है आपको, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो अभी हम अभी इस लेवल पे देखिए, ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है। इस चार्ट पैटर्न को, ये ऊपर की तरफ से जो लाइन आ रही है नीचे की तरफ, ये वाली, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इसका मतलब ये होता है कि अभी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो इधर मार्केट ने इधर एक रेजिस्टेंस को इसके ऊपर नहीं मार्केट गया, ठीक है। उसके बाद इधर एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, ठीक है। और इधर जो ब्रेकआउट निकल गया, उसको मार्केट ने, इसको नीचे जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट मान के फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन थी, ये रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने तोड़ा, तो उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे में। नीचे में जो आप देख सकते हैं, जो सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये लाइन जो है, ये सपोर्ट का काम कर रही है। जिसने मार्केट को इधर एक टच किया, फिर इधर से मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर एक मार्केट ने टच किया, और उसके बाद एक ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। फिर इधर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। इसको इधर जो सपोर्ट था, इसको इसने तोड़ के नीचे की तरफ मोमेंटम कर लिया, ठीक है। ये नीचे की तरफ आने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। इधर एक हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद इसने मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम ट्रेड करता गया, ठीक है। जो ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे बनाते, कि देखो जो कैंडल पैटर्न होता है, इसके ऊपर में जो जिधर जिधर मार्केट ने ज़्यादातर टच किया है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जिस जिस जितना ज़्यादा टच किया है, देखिए अब ये एक, ये दो, ये तीन बार चार्ट पे टच किया है, ठीक है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। जितनी बार टच किया है, उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ठीक है, तो अभी एक ये नीचे का लेवल होता है, ये सपोर्ट होता है, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल पे टच किया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। देखिए इस लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। जो भी बायर थे या सेलर थे, इधर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन किए थे, इधर उसने ब्रेक कर दिया और इधर प्रॉफिट बुक कर दिया, और इधर से बायर ने फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। बायर सेलर क्या होते हैं कि जब भी मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट में जो हम बाय या सेल करते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट करते हैं, उधर से मार्केट नीचे तरफ आ जाता है, और जिधर से हम बाय करते हैं, उधर से मार्केट अप ट्रेंड में चल जाता है, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग था, ये नीचे की तरफ, ये गोल जो दिख रहा है, ये सपोर्ट के तौर पर, एक दो तीन चार ये लेवल जो थे, इधर इसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये सपोर्ट लेने के बाद इसने मार्केट ने एक इस लाइन को इसने तोड़ा नहीं, अगर तोड़ता तो नीचे की तरफ एक, या हाँ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन में हमें देखने को मिलता है, इसने मगर तोड़ा नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम अभी चार्ट पे देख लेते हैं कि अभी ठीक है, हमने इधर ड्रॉ करके रखा हुआ है, सपोर्ट किसको बोलना है, रेजिस्टेंस किसको बोलना है, ठीक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आप रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, सपोर्ट किसको बोलते हैं। जिसने मार्केट को ज़्यादातर टच करके फिर से मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया, मतलब ऊपर की तरफ चला गया है, फिर से इधर मार्केट ने टच किया, फिर इधर से ऊपर चला गया, फिर इधर आया, इधर से मार्केट टच किया, फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसने मार्केट जिधर जिधर टच किया नीचे की तरफ, वो सपोर्ट के तौर पर हम सपोर्ट मानेंगे, इसको ही सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है नीचे की तरफ, ये सपोर्ट है, और जो ऊपर की तरफ दिख रही है, इसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। रेजिस्टेंस माने कि
जो नीचे से मार्केट आया, इधर टच किया, फिर चला गया नीचे, फिर मार्केट ने इधर टच किया, फिर इधर से ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, जब भी इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, इधर से बायर ने इस कॉल में एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद इसने जो ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ने इधर रिटेस्ट करने के लिए आया था, पर रिटेस्ट इसने इधर हुआ नहीं, इधर लोगों ने जो शॉर्ट अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में वो बुक करके बाहर निकल गए। फिर इधर से मार्केट ने नीचे की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे की तरफ आ गया। जब रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट नीचे आ गया। अगर रेजिस्टेंस पे होल्ड किया होता तो इधर से मार्केट फिर से बाउंस बैक आ सकता था। वैसे सेम इधर जो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने, फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया था। ठीक, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट ज़्यादातर जिस लेवल पे मार्केट ने टच करके बाउंस गया, इसको हम सपोर्ट मानते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, और ऊपर में जो होता है, ऊपर में जो मार्केट टच करके फिर नीचे आया, टच करके फिर मैं नीचे आया, इसके ऊपर नहीं गया, उस लेवल को हम रजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, ये रजिस्टेंस लेवल है और नीचे का जो है सपोर्ट लेवल है, और ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट इस लेवल पे होगा, जिधर रजिस्टेंस को तोड़ा उधर से एक ब्रेकआउट अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ मिल गया। ठीक है, और जिधर इसने रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ तोड़ा तो ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो काम करते हैं, इसी के ऊपर काम करते हैं। जो बायर और सेलर होते हैं, इनका जो जिधर से मार्केट को ये डायरेक्शन देते हैं, उधर से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ही डायरेक्शन वो ले लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, उधर से मार्केट ने एक, देखो अभी इधर होल्ड किया, इधर जैसे ब्रेकआउट आया, जैसे एक कैंडल बनी ये वाली, ठीक है, एक कैंडल बनी, उसके बाद सबको पता था कि ये अभी थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाए, तो इधर से फिर एंटर किया बायर ने। और जैसे ही फिर ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन था, वो ब्रेकडाउन जैसे ही इधर रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक हरी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इसने थोड़ा सा होल्ड किया, पर इधर बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, इन्होंने फिर से मार्केट को एक रेजिस्टेंस के जैसे नीचे आया, इधर एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है आपको। ठीक है, ये बहुत मतलब इधर से मार्केट को पता चल गया कि अगर रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे फिर एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट था, उसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों सीखने को मिले। इधर और देख लेते चार्ट में हम। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे। ठीक है, ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली लाइन है, ये हम रेजिस्टेंस मान लेते, रेजिस्टेंस जिसने मार्केट इधर एक टच किया, इधर एक टच किया। ठीक है, फिर आगे जाके इसने सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस ने जो सपोर्ट का काम किया, इधर टच किया, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये नीचे का जो रेजिस्टेंस था इसने तोड़ा, फिर ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये उतना ऊपर मार्केट चला गया, उसके बाद नीचे की तरफ देखिए है, ये सपोर्ट लेवल था, इसने मार्केट किधर किधर, इधर एक सपोर्ट ले लिया, इधर एक सपोर्ट ले लिया, इधर एक ले लिया और इधर एक ले लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन आया तो इधर से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने मिला, फिर नीचे जाके एक सपोर्ट लाइन है, इसको सपोर्ट पे होल्ड किया, फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में चलता गया, अप ट्रेंड में जाके जाके आगे जाके इसने जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया था, रेजिस्टेंस को तोड़ के इसने ऊपर की तरफ रैली मचा दी। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, जिधर ज़्यादातर मार्केट टच करता है ऊपर की तरफ, उसको हम रेजिस्टेंस के तौर पर मान सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस जैसे टूटेगा, ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तो वो रेजिस्टेंस था उसको हम सपोर्ट के तौर पर फिर मान लेंगे। ठीक है, अगर अभी देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, इसको जैसे ही इसने तोड़ा तो ये सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, अगर इधर मार्केट नीचे आएगा तो इधर तक आ सकता है, ऐसा हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीख चुके हैं। ठीक, अगला जो हमारा जो हम वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो रहेगा लाइव सेक्शन जो रहेगा, वो हम चार्ट के ऊपर ही बनाएंगे, डेली एक चार्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी इसका जो ब्रेकआउट आएगा तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ेगा तो इसमें बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, इसमें हम ही एंटर कर सकते हैं जिसमें करना है। ठीक, तो ये लेवल आपको समझ आएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट जो मार्केट को होल्ड करता है और रेजिस्टेंस जो मार्केट के ऊपर सर्किट में जाने के लिए तैयार रहता है। ठीक, जैसे ऊपर में जो हाई लेवल बनाया है, ठीक है, कैंडल ने जो हाई लेवल बनाया है उसको जो होल्ड करके फिर जो हाई लेवल तोड़ता है उसको रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। और सपोर्ट जो होता है
जिसने जो लोअर लो लोअर लो बनाते बनाते जो इधर मार्केट ने लो बना के फिर इधर से जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो इसमें हम ब्रेकडाउन देखेंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो हमने ये एक्सप्लेनेशन किया है ये समझ आपको समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं आया होगा और कोई आपके जो प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्लोज कर लेते हैं, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।